अभी मैंने सुना जेएनयू में, कि जेएनयू बोलते हैं ना उसको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के लिए कुछ अपशब्द किसी ने बोला। मैं एक बात कहूं, भारत में ही कर सकते हो तुम ऐसा, अगर तुम यहां की जगह कहीं और होते ना, तुम पे देशद्रोह का तो मुकदमा चलता, और हो सकता है अगर कोई थोड़े और आगे होते, पाकिस्तान से भी आगे, तो चौराहे पे लटका के मार दिए जाते, वो कोई पूछने वाला तुम्हारी सपोर्ट करने वाला नहीं होता। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, जो भी हमारे ऐसे ऋषियों के विषय में या हमारे सद्पुरुषों के विषय में कहीं भी प्रदर्शन करे, ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए, और ऐसे लोगों को उस विश्वविद्यालय से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे से लोग कह रहे थे आपने कुछ कहा नहीं, अरे हमें पता ही कल शाम को चला कि कुछ है, हम न्यूज भी ज्यादा देखते नहीं, पहले बहुत देखते थे, अब थोड़ा कम किए हैं, तो कम इसलिए किए जितना टाइम उसमें लगाते थोड़ा और कहीं लगाएं, पर कल जब शाम को पता चला हमको बहुत बुरा लगा। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का मान सम्मान पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया, हाउ डेयर टू डू दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की, और हम लोग टॉलरेट कैसे कर सकते हैं ऐसे लोगों को, नहीं करना चाहिए, वी कांट टॉलरेट लाइक दिस। चलिए, मैं इसीलिए कहता हूं हम सब भारतीयों को एकाग्र होकर एक साथ होकर अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, और ऐसी संस्कृति की तरफ आगे कदम बढ़ाने चाहिए जहां कोई भी किसी मां की कोख से ऐसा बच्चा उत्पन्न ना हो जो ये कहता हो कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। हर कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कहे आई बिलीव इन माई गॉड। कौन चाहता है ऐसी दुनिया हो जहां सबके घरों में सबके बच्चे कहते हो मैं भगवान को मानता हूं, भगवान ही मेरी सर्वशक्ति है, वही मेरी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। कौन कौन चाहता है? सिर्फ भागवत सुनो और घर ढुक जाओ, उससे काम नहीं चलेगा, मेरे कदम से कदम मिलाओ, थोड़ा सा अच्छाई का प्रचार प्रसार हम लोग मिलकर करें, जिससे जो ऐसे नास्तिक लोग हैं उनका भी कुछ जो है मन बुद्धि परिवर्तित हो, ऐसे नास्तिक लोग।